सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम कुलदीप है। तो आज हम बात करने वाले हेयर स्टाइलिंग में, कर्ल्स करते कैसे, सेक्शनिंग कैसे निकालना है कर्ल्स के। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा कर्ल्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे कर्ल्स की डायरेक्शन आप कर सकते हो और कौन सी टोंग से आप कर्ल्स कर सकते हो, तो कितने टाइप्स के कर्ल्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे कर्ल्स में बेसिक कर्ल्स, ठीक है, सेक्शनिंग। तो इसमें हम सेक्शनिंग के बारे में जानेंगे और कर्ल्स को करते कैसे हैं उसके बारे में थ्योरीज के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो ये ओपन हेयर स्टाइल में आता है दोस्तों, जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज बताई थी, तो ओपन हेयर स्टाइल की कैटेगरी है ये। ओपन हेयर स्टाइल में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है फुल ओपन, एक होता है हाफ ओपन। अब फुल ओपन क्या है, हाफ ओपन क्या है? फुल ओपन का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें कर्ल्स बिल्कुल लूज छोड़े जाते हैं, ठीक है। और हाफ ओपन में होता है आपका फ्रंट टक होता है, जिसमें फ्रंट पिनअप करते हैं, और फुल ओपन में फ्रंट भी ओपन रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कैटेगरीज बताई थी आपको, बन की कैटेगरीज, ब्रेड की, ओपन की, और ये पोनीटेल की। तो उसमें से एक चीज़ है ओपन की कैटेगरीज। सबसे पहला टॉपिक हमने ओपन का ही लिया है, तो ओपन से करेंगे। फिर हम ब्रेड और बन की कैटेगरीज बताएंगे, फिर हम बताएंगे आपको ब्रेड की, फिर उसके बाद बताएंगे पोनीटेल की। तो सबसे पहले हम ओपन की जान लेते हैं। ओपन हेयर स्टाइल में आपके पास दो लुक होते हैं, एक होता है फुल ओपन जिसमें आपका फ्रंट भी ओपन होता है, एक होता है हाफ ओपन जिसमें आपका फ्रंट टक होता है, बैक साइड ओपन होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना, बैक ओपन, ठीक है, फ्रंट टक और बैक ओपन। तो सेक्शनिंग हमेशा स्टार्टिंग आपको करना है, हमेशा बैक साइड से करना है। तो ये बैक साइड का हमने सेक्शन लिया है, ठीक है। सेक्शन आपको बैक साइड से स्टार्ट करनी है हमेशा कर्ल्स में, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल के आपको काम करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कहीं से भी कुछ भी सेक्शन उठा के कर्ल्स करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप, सब सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कर्ल्स करना है तो हमेशा बॉक्स सेक्शन लेना है। जैसे आपने ये सेक्शन लिया, तो ये बॉक्स सेक्शन में ही हो, ऐसे रेट एंगल ना हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, करनी है आपको बॉक्स सेक्शन में ही करना है सेक्शन, ऐसे ऐसे बॉक्स सेक्शन लेने हैं। फर्स्ट सेक्शन आपने लिया जिसमें आपके पास एक दो तीन चार पाँच, पाँच सेक्शन हो गए। जब आप सेकंड वाला लेयर लोगे, सब सेक्शन लोगे, तो याद रहे सेक्शन के ऊपर जस्ट सेक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन था, फिर ये सेकेंड था, फिर थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ठीक है। तो ये लिया, तो उसके ऊपर आप सेक्शन के ऊपर सेक्शन नहीं लोगे, हमेशा सेंटर को कवर करते हुए सेक्शन लोगे, ऐसे सेक्शन लेने हैं, ठीक है। सेक्शन के ऊपर जस्ट सेक्शन ना आए। तो जब ये आपका कर्ल्स हुआ यहाँ से, और ये कर्ल्स हुआ यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो ये वाला कर्ल्स कवर करता है हमेशा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कर्ल्स करते टाइम, कि सेक्शन के ऊपर जस्ट सेक्शन ना हो। सेक्शन लिया तो सेक्शन को कवर करते हुए सेक्शन आपको बीचों बीच में से लेने हैं, ताकि जब उसके इन दोनों के बीच में जो गैप है तो उसको ये कवर करेगा, ठीक है। ये तो थी सेक्शनिंग की बात। अब आते हैं एंगल के। सेक्शन करने के बाद जब हम टोंग करते हैं, तो वो हम कैसे कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कर्ल्स की डायरेक्शन है, ठीक है, वो फोर टाइप ही होती है, पांचवा नंबर कोई नहीं है उसमें। तो फोर टाइप में से कैसी है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये दोनों साथ में होती है, एक अप और एक डाउन, ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। तो ये फोर डायरेक्शन ही होती हैं कर्ल्स में, तो इस चीज़ को याद रखना। तो राइट और लेफ्ट क्या है, राइट और लेफ्ट आपका आउट और इन फॉल क्रिएट करता है, ठीक है। और अप और डाउन में क्या है, अप राइट साइड और लेफ्ट साइड से फॉल क्रिएट करते हैं, आउट और इन में। जैसे किसी का फॉल आउट की तरफ करना है, इन की तरफ करना है, वो कटिंग पे भी डिपेंड करता है, कर्ल्स पे भी डिपेंड करता है कैसे करना है। तो दूसरी चीज़ आती है अप एंड डाउन। अप डायरेक्शन में करोगे तो क्या बेनिफिट मिलता है, डाउन डायरेक्शन में करोगे तो क्या बेनिफिट मिलता है। अप डायरेक्शन में आपका टोंग से सॉफ्ट लुक आता है,
क्योंकि आजकल जो फैशन है वो बिल्कुल टाइट पाइप कर्ल्स का फैशन नहीं है। तो वो क्रिएट करने के लिए आप किसी को अगर टोंग कर रहे हो तो आप सॉफ्ट लुक भी कर सकते हो टोंग से, ज़रूरी नहीं आप प्रेसिंग से ही करो, टोंग से भी कर सकते हो। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको अप डायरेक्शन में कर्ल्स करना पड़ता है। इसमें आपके पास दोनों साइड आती है, राइट और लेफ्ट। फिर आता है डाउन। तो डाउन में आपके पास रूट्स में बाउंस क्रिएट होता है। तो डाउन वाली जो होता है बिल्कुल क्लोज रखना आपको, टोंग को नीचे नीचे रख के फिर ऊपर से कर्ल्स करना। तो ये रूट्स में बाउंस क्रिएट करता है। और बाउंस आपको कहाँ चाहिए? बॉक्स एरिया में प्लस क्राउन एरिया में, ठीक है। तो ये था, अब इसको देख लेते हैं एक बारी डायग्राम पे भी। तो आपको पूरा हाफ सेक्शन करना है, जैसे मैंने प्रोफाइल सेक्शन बताया था। प्रोफाइल सेक्शन में ईयर टू ईयर, फिर उसके बाद सेंटर नोज, फुल बैक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है राइट और लेफ्ट। आप राइट साइड से करोगे, टोंग को इस साइड रखना, वो भी डायगनल, ठीक है। टोंग को हमेशा डायगनल ही पकड़ना है आपको। और ये फॉल यहाँ से हाफ इस साइड से क्रिएट करोगे और ये फॉल यहाँ से क्रिएट करोगे, यानी कि टोंग इस साइड रखने और यहाँ से कर्ल्स करोगे नीचे की तरफ। और जब दूसरी साइड आओगे तब ये फॉल क्रिएट करके आपको इस साइड करना पड़ेगा, यानी कि टोंग आपको लेफ्ट हैंड में रख के तब यहाँ से कर्ल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर्ल्स करना है, तो ये फॉल क्रिएट करना है। तो यही सेम पैटर्न आपको बैक साइड पूरा सेक्शन वाइज सेक्शन करते करते करना है। तो ये आउट फॉल क्रिएट करेगा आपका, ठीक है। अब यही चीज़ आपको इनमें चाहिए, तो ये डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट फॉल क्रिएट करने के लिए, आउट और इन करने के लिए। फिर आते हैं क्राउन एरिया पे। क्राउन एरिया पे जैसे मैंने बताया कि आपको डाउन रखनी है टोंग, टोंग को रूट्स के पास रख के फिर कर्ल्स करना है। आप टाइट बीच कर्ल्स कोई भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। डायरेक्शन आपके पास चार ही है, चार से आप बीच कर्ल्स करो, टाइट कर्ल्स करो, शॉर्ट कर्ल्स करो, कुछ मैटर नहीं करता। फिर आते हैं बॉक्स सेक्शन, ओ क्राउन सेक्शन पे। तो क्राउन सेक्शन पे जैसे मैंने बताया, बाउंस क्रिएट करने के लिए आपको डाउन डायरेक्शन वाली टोंग करनी पड़ेगी। तो डाउन डायरेक्शन कैसे? मतलब आपको टोंग बिल्कुल रूट्स के पास रखना है, फिर उधर से कर्ल्स करना है। तो रूट्स में बाउंस आता है उससे, ठीक है। रूट्स में बाउंस कहाँ चाहिए आपको? क्राउन सेक्शन पे चाहिए और बॉक्स सेक्शन पे चाहिए। बाउंस आपको फ्रंट पे यहीं पे ही चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं साइड, ठीक है। ये अब साइड एरिया है। साइड एरिया में अब मान लो किसी को बाउंस नहीं चाहिए, तब आप उसमें साइड में हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालोगे, अब देखो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया, ठीक है। बॉक्स सेक्शन से नीचे आउट फुल क्रिएट कर दिया जो भी हमें करना था, ठीक है। ऊपर से हमने रूट्स में कर दिया, रूट्स में डाउन वाला फॉल क्रिएट करा। तो इसमें आप डायरेक्शन किसी भी साइड रख सकते हो, आपका इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, कोई मैटर नहीं करता उसमें, वो मिक्स हो जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन नीचे वाले की डायरेक्शन आपको रखनी पड़ेगी आउट। फिर उसके बाद बॉक्स सेक्शन, बॉक्स सेक्शन में भी सेम ऐसे ही करोगे, डाउन वाले डायरेक्शन का, अगर बाउंस चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए बाउंस तो आपको ये जैसे नॉर्मल कर रहे थे आउट फॉल क्रिएट करके राइट और लेफ्ट, वैसे ही कर सकते हो अगर साइड पार्टीशन चाहिए तो। फिर आते हैं बॉक्स के बाद राइट वाले सेक्शन में। अगर राइट वाले सेक्शन आपको करना है, अगर आपको बाउंस चाहिए तो आप वर्टिकल सेक्शन लेके बैक कॉम करोगे, अगर बाउंस चाहिए तो। अगर बाउंस नहीं चाहिए तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके ही काम करोगे आप, ठीक है। साइड में बाउंस हैवी क्रिएट करने के लिए हमेशा वर्टिकल सेक्शन लेना, चाहे कैसी भी स्टाइलिंग हो। अगर बाउंस चाहिए साइड में तो वर्टिकल सेक्शन ही लेना है। अगर बन कर रहे हो बाउंस चाहिए तो भी वर्टिकल सेक्शन ही लेना है। कर्ल्स कर रहे हो बाउंस चाहिए तो भी वर्टिकल सेक्शन ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कर्ल्स का था डायग्राम। तो प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर।